गुड इवनिंग फंक्शन, सर। हाँ गुड इवनिंग, फंक्शन आईटीएफ और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, इसका डाउट डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? उसका आपका लगभग जी टेस्ट में सर, 40% कवर आएगा और 60% आपका 11 के टॉपिक्स का आएगा, आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो जो 12th का पोर्शन है उसमें मैंने जितना भी आपको थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन एक बार देख लेना, मॉड्यूल एक बार, मॉड्यूल के ऊपर एक बार देख लेना, और कल की क्लास में सिर्फ डाउट डिस्कशन करेंगे आप, और थोड़ा बहुत होगा तो प्रैक्टिस कर लेंगे। तो कल की क्लास में जो 12th के आने वाले टॉपिक है उनके उनके बारे में अपन देखेंगे। तो इसलिए कल वाले लेक्चर में, कल कल के दिन, अब स्कूल अगर जा रहे हो तो ठीक, अगर स्कूल नहीं जाओ तो अच्छे से तैयारी कर लेना। कल छुट्टी है स्कूल की कि नो सर, नहीं है? स्कूल जाना है। नो सर। ठीक है, तो देख लेना अपने हिसाब से, अगर स्कूल इंपॉर्टेंट है तो चल जाना, नहीं इंपॉर्टेंट हो तो थोड़ा टेस्ट के लिए तैयारी कर लेना, और जो भी टाइम है उसमें कल 12th के मैथ्स के टॉपिक एक बार तीनों देख लेना, फंक्शन, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले भी एक दो बार रिवीजन करा रखे हैं, एक दो बार आपके टेस्ट भी हो चुके हैं, तो उन क्वेश्चन को भी आप रीअटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि कल इवनिंग वाले लेक्चर में आपके पास जो जो भी डाउट्स हो, हम डाउट डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर है? जी सर, यस ओके, सर, तो इस बात का कल ध्यान रखना, कल अपन डाउट डिस्कशन करेंगे और 12th के टॉपिक्स का। ठीक है, अच्छा ये, हाँ कल तो आपका फिर उसी टाइम पे होगा लेक्चर, तो ठीक है। तो अभी मैं आपको जो क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसकी मॉड्यूल की कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, पीवाईक्यू। पहले हम क्वाड्रेटिक के कुछ पीवाईक्यू ट्राई करेंगे, उसके बाद ये, एक सेकेंड इसको देखो, फिर थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर के मैं पीवाई के आपको ट्राई कर रहा हूँ। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के मैं दो वीडियो अपलोड, मैंने अभी वापस बता देता हूँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के दो वीडियो अपलोड होंगे, तो दोनों, जो फर्स्ट वाला वीडियो तो ऑलरेडी आपको मैंने पढ़ा दिया था, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका भी वीडियो आपके इसमें अपलोड हो जाएगा। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का रिविजन सेशन 2 अपने उसमें रिकॉर्डिंग शीट से देख लेना। क्लियर है सबको? है जी सर, ना? यस सर, और अच्छे से टेस्ट की तैयारी करके, मतलब अब खैर एक ही दिन बचा है, लेकिन जितना हो सकता है उतना प्रॉपरली टेस्ट की तैयारी करके टेस्ट को अटेम्प्ट करना। ठीक है, अब मैं आपको आज क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करा देता हूँ। मैंने आपको कहा भी था कि क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स की थ्योरी मॉड्यूल से ही कर लेना, तो अच्छे से आपका रिविजन भी हो जाएगा, अगर आपने देखा होगा तो उसमें बहुत अच्छे से थ्योरी की होगी। देखो ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपकी मॉड्यूल है, ऑलरेडी अपलोडेड है, यहाँ पे तो पूरा डेफिनेशन वगैरह सब दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी मैंने आपको जो बताया था, और उस पर एक अच्छा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट, ये सारे फॉर्मूले, उस पे दो इलस्ट्रेशन और ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं इस पे ऊपर। फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन में वही सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इसके बारे में बता रखा है, नेचर ऑफ द रूट, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट आपको ऑलरेडी पता है, डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है, तो उस पे कंडीशन क्या होगी, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव। कोई भी क्वाड्रेटिक अगर कंप्लीटली नेगेटिव है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, ए भी नेगेटिव डी भी नेगेटिव। याद आ रहा है? यस सर, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना। फिर क्वाड्रेटिक का आपको ग्राफ भी बताया था, और ग्राफ का जो पीक पॉइंट होता है, वर्टेक्स पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2 है, -d/4 है, तो वो भी ध्यान रखना। जी सर, ठीक है, और उसी से रेंज भी निकली थी आपकी, और कभी भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछे तो वर्टेक्स पॉइंट से आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। फिर लोकेशन ऑफ द रूट बताया था कि के ग्रेटर, इफ के इज लेस देन बोथ द रूट, के ग्रेटर देन बोथ द रूट, के लाइज बिटवीन बोथ द रूट, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी वो भी आपको मैंने करा रखी थी। ठीक है, उस पर क्वेश्चन और कर यस लेते हैं ताकि एक प्रैक्टिस हो जाएगी।
ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो सब लोग। दिख रहा है सबको? यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये इस लोकेशन ऑफ द रूट में पूरा कवर हो जाएगा इसके अंदर, या फिर कोई ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में लास्ट टाइम ही कराया था, दूसरा करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लो एक बार ध्यान से। विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है, अच्छे से एक बार इसको ट्राई कर लो, इसमें सारे पार्ट कवर हो गए एक ही क्वेश्चन में। 2 मिनट का समय आपके पास, जल्दी से अटेम्प्ट करो, फिर सिखाता हूँ मैं। बोथ रूट और पॉजिटिव से क्या लॉजिक लगाओ? सर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। नहीं, बोथ रूट और पॉजिटिव मतलब दोनों रूट जीरो से क्या है ज्यादा। एंड डी आल्सो ग्रेटर देन जीरो। देखो बोथ रूट आर पॉजिटिव, मैंने आपको कल एक कंडीशंस करवाई थी, बोथ रूट आर ग्रेटर देन के, याद आ रहा है लास्ट क्लास में? याद आ रहा है कि नहीं? दोनों रूट अगर के से ज्यादा तो क्या क्या कंडीशन बताई थी बताओ? ए इंटू एफ ऑफ के क्या आएगा? पॉजिटिव आया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड के लेस देन माइनस बी बाई टू है, इन तीनों को आप क्या लोगे? इंटरसेक्शन, याद आ रहा है? अब बोथ रूट आर पॉजिटिव मतलब दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव मतलब जीरो से ज्यादा होंगे, तो इस केस में फर्स्ट वाले केस में के की वैल्यू क्या है? जीरो आ गई, आया ना? बोलो लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप क्या क्या कंडीशन लगाओगे? ए इंटू एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन लगा देना डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और थर्ड कंडीशन जीरो के लेस देन माइनस बी बाई टू है, के जो है वो माइनस बी बाई टू है से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। और जो भी आंसर आएगा उस अपन उन तीनों को क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे, तो पहला पार्ट ऐसा होगा। मैं हल्का हल्का हिंट ही बता रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट। बोथ रूट आर नेगेटिव, इसके लिए क्या कंडीशन अप्लाई होगी बताओ? बोथ रूट आर नेगेटिव मतलब फर्स्ट कंडीशन तो सेम। हाँ वैसी, दोनों रूट अगर नेगेटिव है तो जीरो से कम होंगे, मतलब के इज ग्रेटर देन अल्फा एंड बीटा, याद आ रहा है? सेकेंड टाइप की कंडीशन, तो एफ ऑफ के ए इंटू एफ ऑफ के यहाँ पे भी क्या होता है? पॉजिटिव, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और के क्या आएगा? ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है, जो सेकेंड केस बताया था, याद आ रहा है? बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, थर्ड कंडीशन पढ़ो, बोथ रूट आर अपोजिट इन साइन, मतलब एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है, तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो? इसमें दो चीज कर सकते हो, दो देखो मतलब के लाइज बिटवीन, देखो एक तीसरी कंडीशन पता है ना, के अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? जीरो जो होगा अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा, क्योंकि एक रूट जीरो से कम एक रूट जीरो से ज्यादा है, तो इसके लिए क्या कंडीशन आई थी? इसके लिए एक सिंगल कंडीशन क्या आई थी? ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो, याद आ रहा है? थर्ड वाला केस जो था उसके लिए एक सिंगल कंडीशन ये आई थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए इंटू एफ ऑफ जीरो क्या होगा? नेगेटिव होगा, ये थर्ड कंडीशन।
फोर्थ और फिफ्थ वापिस वैसा कैसा ही है और सिक्स भी वैसा कैसा है, ठीक है। तो कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट साइन आए जिसमें के की वैल्यू क्या कंसिडर करोगे, जीरो कंसिडर करोगे, क्या ये बात समझ में आ रही है? जीरो, यस सर। और वापिस वो जो कंडीशन आपको मैंने तीनों बताई थी वो अप्लाई कर देना है, तो ध्यान रखना। कॉमन रूट के लिए भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए थे और उसमें कंडीशन आपको बताई थी कि अगर मान लो इमेजिनरी रूट्स हो और इरेशनल रूट्स हो तो एक रूट कॉमन नहीं होगा, दोनों रूट कॉमन होंगे, है ना? यस। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखा था इस तरह का, ये पूरी थ्योरी कवर हो गई। इसके बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ पीवाईक्यू मैं आपको ट्राई करा देता हूँ ताकि आपको बेसिक रिवीजन हो जाएगा थोड़ा। कुछ मैं यहाँ करा रहा हूँ बच्चे हुए, फिर आप घर पे ट्राई कर लेना। शुरू के चार पीवाईक्यू ट्राई करो, 1, 2, 4, चारों के चारों बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, आपके पास 5 से 7 मिनट का समय है, हो जाए तो बता देना, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर लो एक बार ताकि इस चैप्टर का भी रिवीजन आपका हो जाए। फिर नेक्स्ट वीक से हम डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। सर आप म्यूट पे हो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ गया था बीच में, लाइट चली गई थी, अभी दिखेगी, दिख रही है? यस सर विजिबल। यस सर, यस सर, दिख रही है। ओके, सर फर्स्ट का आंसर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ रहा है। हाँ, एक साथ डिस्कस करेंगे, चारों आंसर निकाल लो फिर एक साथ डिस्कस करेंगे।
ठीक बात ठीक बात। चलो हो गया अटेम्प्ट। बताओ सर, एक सेकेंड बस। लास्ट 1 मिनट जल्दी से ट्राई कर लो। हो गया
स्क्रीन नहीं दिख रही सर। अब दिक्कत आ ये गए, ये सर आ गए। सर करवा दीजिए पाप, हो गया हो गया ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? यहाँ है फर्स्ट सर, सेकंड 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 का आंसर क्या आया? सर फर्स्ट आ रहा है सर, बिकॉज क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर सर फर्स्ट फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर सर फोर्थ का फर्स्ट आया है मेरा, और थर्ड का आया है मेरा फोर्थ ऑप्शन, थर्ड का फोर्थ आया। ठीक है चलो करते हैं। समझो अच्छे से अब एक एक करके। फर्स्ट में क्या दिया हुआ था? ए और बी इसके रूट है, सी और डी इसके रूट है, तो ए माइनस बी सॉरी ए माइनस सी बी माइनस सी ए माइनस डी बी प्लस डी पूछा गया है, तो क्या तरीका अपना है बताओ। इसके रूट से मान लो ए और बी, इसके रूट से आपके पास सी और डी, आपके पास दो ही टूल्स हैं, एक तो सम ऑफ द रूट आप लिख सकते हो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख सकते हो। यहाँ पे भी सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आया ना? यस सर। ठीक है, और आपको जो चाहिए अब उससे देखते हैं कि अपन को ये कैसे क्रिएट होगा। तो आपको एक तो चाहिए ए माइनस सी चाहिए, और प्रोडक्ट में बी माइनस सी ए प्लस डी और बी प्लस डी, तो बताओ कैसे क्रिएट करें या फिर क्या क्या कैसे निकाले ये सब सम, बोलो। बोलो किसी ने नहीं किया? हेलो आवाज आ रही है? यस सर। बताओ कैसे करेंगे? होना चाहिए था ये क्वेश्चन, जल्दी एक बार ट्राई करो फटाफट। सोचो यहाँ पे आपका सम दिया है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, बस रिलेट करना है। कैसे रिलेट करें? थोड़ा दिमाग लगाओ, इतना टफ नहीं, एक छोटा छोटा सा लॉजिक क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। सर आइडेंटिटी करेंगे और कॉमन फैक्टर निकाल, ऐड करो सब्सट्रैक्ट करो। बच्चों मेरे यहाँ बहुत तेज बारिश आ गई, लाइटें भी चली गई है, हो सकता है नेटवर्क का थोड़ा इशू है। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर आवाज आ रही है। हाँ चलो फटाफट कर लो जब तक लाइट है, तब तक मतलब जब तक लाइट नहीं है, मतलब अभी जब तक बैटरी है चार्ज इसकी, तो तब तक आवाज आ रही है, कितना तेज तूफान आया। चलो करो करो जल्दी से, तो टाइम लग कैसे लग रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। चलो मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको चाहिए ना उसको मल्टीप्लाई कर दो और फिर देखो
अपने आप बन जाएगा। अब करो, चलो हिंट दे दिए, जो आपको रिक्वायर्ड है उसको मल्टीप्लाई करो एक बार। क्या रिक्वायर्ड है? ए माइनस सी, बी माइनस सी, ए प्लस डी, बी प्लस डी। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो एक बार, देखो ऐसे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या क्रिएट होगा। ए बी क्रिएट हो जाएगा, माइनस ए सी माइनस सी बी और प्लस का सी स्क्वायर। करके देखा करो हमेशा, छोड़ मत दिया करो, कुछ नहीं होना चाहिए था। ए बी प्लस ए डी, फिर क्या बनेगा? बी डी प्लस डी स्क्वायर। अब देखो आपको क्या क्रिएट करना है, ये क्रिएट करना है। तो जो जो वैल्यू वो पुटअप कर दो, ए बी की वैल्यू पता ही ऑलरेडी वन, यहां से माइनस सी कॉमन आएगा, ब्रैकेट में ए प्लस बी बचेगा, बोल दो आया ना? यस सर, यस सर, यस सर। पे भी ए बी बन रहा है, यहाँ पे डी कॉमन आएगा, ए प्लस बी बचेगा। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, प्लस का डी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर, जी सर। आपके पास क्या टर्म क्रिएट हो गई? सी स्क्वायर प्लस सी क्यू प्लस वन, डी स्क्वायर। इसका माइक ऑन है, बंद करो। डी स्क्वायर माइनस डी क्यू प्लस, अब बताओ क्या करें? सही है, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब सी स्क्वायर प्लस सी क्यू प्लस वन की वैल्यू क्या होगी? और एक कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो, एक बार चेक कर लेना। ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस का सी स्क्वायर, और उधर क्या था? ए डी प्लस बी डी। अब बताओ क्या करें? आंसर आपको पी और क्यू के टर्म्स में निकालना है। यहाँ सी स्क्वायर प्लस वन बन रहा है, डी स्क्वायर प्लस बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है। बताओ जल्दी आप। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, दिख जाएगा अपने आप। चलो देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिक्कत क्या आ रही है? यहाँ पे क्यू आ रहा है, प्रॉब्लम ही आ रही है ना? यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी क्यू और यहाँ पे वन है, इसके रिलेटेड को मुझे इक्वेशन बन नहीं रही, मतलब कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो एक काम हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मुझे सी और क्रिएट करना हो, सी स्क्वायर प्लस सी क्यू तो है ही है, ये वन जो है इस वन की जगह सी डी लिख दें, आया ना? ताकि यहाँ से सी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये जो वन है इसकी जगह भी सी डी लिख दो, ताकि थोड़ा सिंपलीफाई, क्योंकि ये इस रिलेशन का तो कुछ कर नहीं पाओगे, पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो भी कुछ काम नहीं होगा। पूरे में से अगर सी कॉमन आ जाए आपके पास क्या बचेगा? सी प्लस क्यू प्लस डी, सी प्लस क्यू प्लस डी, और यहाँ पे क्या बचेगा? डी डी माइनस क्यू प्लस सी। हाँ, अच्छा सी प्लस डी की वैल्यू वापिस पता है, माइनस पी है ना? अच्छा यहाँ से सी कॉमन लिया और यहाँ से डी भी तो कॉमन लिया, तो सी डी कॉमन लिया, यहाँ से डी कॉमन लिया, यहाँ से सी कॉमन लिया। अब सी प्लस डी की वैल्यू भी मुझे पता है, माइनस पी प्लस क्यू, और यहाँ पे भी पी माइनस क्यू, और सी डी की वैल्यू वापस कितनी? वन। तो क्या बचा मेरे पास? पी माइनस क्यू और क्यू माइनस पी, क्या बच रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ हो, अच्छा सर यहाँ पे प्लस था ना, सॉरी यहाँ पे क्या बचा? नहीं माइनस बचेगा ना यहाँ पे, एक बार चेक करो कैलकुलेट। हाँ एक सेकंड, समझ में आ गया? अब हो गया सॉल्व लगभग। अब तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? सी प्लस ये, तो सी प्लस डी की जगह क्या आ जाएगा? माइनस पी आ जाएगा, यहाँ बचेगा क्यू माइनस पी, क्यू माइनस, यहाँ पे भी, यहाँ पे बचेगा क्यू माइनस क्यू माइनस पी, माइनस पी माइनस, इसमें से माइनस कॉमन निकाल के इसमें पुट अप कर दोगे तो पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, क्या बचेगा? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर।
तो मैनिपुलेशंस थी थोड़ी सी, पहले तो मल्टीप्लाई किया पुटअप किया, पर दिक्कत क्या रही थी वन, अब इस वन का कुछ यहाँ पे मैं ये जो बची हुई दो टर्म थी इसका कुछ कर नहीं पा रहे थे ना कॉमन लेके, इस वन की जगह सीडी लिख दिया, जैसे सीडी लिया सीडी कॉमन लेके अपना सी प्लस डी क्रिएट हो गया, क्योंकि मुझे सी प्लस डी क्रिएट करना था, सी प्लस डी क्रिएट करने के लिए वन की जगह सीडी लिख दिया, ठीक है अब ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन है। अगला अगला तो हो गया होगा, देखो इसमें क्या बोला था कि यस सर हो गया था, p की जगह एक बार माइनस टेन लिख दिया तो सम ऑफ द रूट कितना आ रहा था माइनस बी अपन ने, करेक्ट है तो अच्छा q तो सेम ही था तो प्रोडक्ट तो अभी भी 24 होगा, अभी भी 24 होगा यस सर, ये चेंज हुआ था इक्वेशन के लिए x स्क्वायर माइनस 11x प्लस q और इसके रूट क्या हो जाएंगे 8 और 3 8 और 11 8 और 3 में आएगा है ना, और प्रोडक्ट भी कितना आएगा 24 जो पहले तक था प्रोडक्ट का, सेम ये तो लॉजिकल क्वेश्चन था। अगला करते हैं पहले फोर्थ वाला देख लो, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, अल्फा प्लस एंड एंड द बीटा प्लस आर द रूट्स ऑफ दिस, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला है तो h क्या होगा तो कैसे करेंगे, h निकालना है आपको ए बी और पी क्यू के टर्म्स में, अल्फा और बीटा इसकी रूट चाहो तो सिंपल बिना ट्रांसफॉर्मेशन के भी कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिख दोगे माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या लिख दोगे सी बाई ए, सी बाई ए, यहाँ पे भी सम ऑफ द रूट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस टू एच ये जगह कितना जगह माइनस क्यू बाई पी और प्रोडक्ट करोगे तो अल्फा प्लस एच इंटू बीटा प्लस एच ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आर, अब इन सबको आपस में रिलेट करना होगा मिक्स करके, इसे ये सॉल्व किया था आ रहा था आंसर कि नहीं आ रहा क्या डाउट है क्या बताओ, समझ पा रहे अब करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उधर पुट अप करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी पुट अप करना है और एच में रिलेशन क्रिएट करना है, है ना यस सर, ठीक है एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन से भी लगा सकते लेकिन इससे आपका जल्दी काम हो जाएगा, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से पुट अप कर देना, क्लियर है, अब ये बताओ ये थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे किया आपने, इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन से भी हो जाएगा बिना उसके भी हो जाएगा बताओ एनीवन किसने किया होगा, px px स्क्वायर प्लस qx प्लस q के रूट्स पूछे अब उसी के जैसे इक्वेशन ऊपर लिखी बस x की जगह क्या रिप्लेस हो गया 3x प्लस 2 रिप्लेस हो गया, हाँ है ना देख पा रहे हो यस सर, x की जगह क्या रिप्लेस हो गया 3x प्लस 2 रिप्लेस हो गया बस बाकी कोई क्वेश्चन में अंतर नहीं, तो रूट्स में क्या चेंज आएगा ये पता करना है, बताओ सर इसको एक किस तरीके से कर सकते कि x माइनस अल्फा इक्वल्स टू जीरो वहां पे x को 3x प्लस 2 से रिप्लेस करें, क्या x माइनस अल्फा जीरो होगा तो देखो इसके रूट्स आपके आप ऐसे ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं, मैंने कल सिखाया था ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट में, आपको याद है मैंने बताया था कि मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट से अल्फा और बीटा अगर उसके रूट्स डबल कर दें तो एक्स में क्या चेंज करोगे एक्स बाई टू करोगे, रूट हाफ कर दे तो एक्स की जगह टू एक्स रिप्लेस करोगे, याद आ रहा है है ना यस, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या इन्होंने पहले से ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, ओरिजिनल इक्वेशन क्या होगी वो पूछा गया, ओरिजिनल रूट क्या होंगे वो पूछा गया, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3x plus 2 into p plus q equal to 0, इसके रूट्स आपके क्या है अल्फा और बीटा, तो मुझे क्या करना है इसको पहले तो x square एक बनाना है, तो या तो आप ऐसे लॉजिक लगाओ x square बनाने के लिए क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करोगे, या तो वो या फिर अगर x square plus px plus q के रूट है मान लो कुछ भी मान लो a और b
अब उससे अगर ये क्रिएट करना है तो क्या स्टेप्स अपनाई जाएगी? इसे यहाँ पे x की जगह क्या कर दिया गया, सबसे पहले 3x किया है ना, फिर क्या किया, 2 ऐड कर दिया। तो रूट्स में क्या क्या चेंजेस करोगे वो लॉजिक लगाओ। एक तरीका ये है, करो ट्राई कर। चलो x की जगह क्या की रिप्लेस हुआ, 3 टाइम्स हुआ, और उसके बाद क्या हो गया, 2 ऐड कर दिया, 3 टाइम्स। रूट्स में क्या क्या चेंज आ जाएंगे, जल्दी एक बार ट्राई कर लो एक बार। चलो 15 सेकंड और दे रहा हूँ, एक तरीका या फिर एक तरीका और सीखूंगा मैं, फिर उससे भी ट्राई करना। जो सेम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट, वो या तो वो वाला लॉजिक लगाओ, वो बताओ कि रूट्स में क्या चेंज आएगा। चलो फटाफट करो। सर इसको ऑप्शन दिखा दे, क्या आ रहा है सर? सेकंड वाला 3 अल्फा + 3 बीटा कुछ आंसर तो पता नहीं, देखते हैं सर। थर्ड वाला, थर्ड आ रहा है, थर्ड। चलो ठीक, यस सर। अब देखो यहाँ पे उल्टा प्रोसेस हुआ, x की जगह रिप्लेस हुआ 3x + 2, तो रूट्स में क्या चेंजेस आ रहे होंगे ये लॉजिक लगाना। मैं आपको वापस वो लॉजिक समझाता हूँ जो कल सिखाया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + bx + c = 0, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो मैं आपको और ये बोलता हूँ, अगर रूट्स को मैंने α/3 कर दिया और β/3 कर दिया तो नई इक्वेशन क्या आएगी, तो क्या करोगे आप बताओ, x की जगह क्या रिप्लेस करोगे? अगर रूट्स को मैंने α/3 और β/3 कर दिया, हाँ, x की जगह क्या 3x रिप्लेस करके देखें एक बार, देखो करके देख लो। x की जगह 3x रिप्लेस करोगे, देखो क्या आ जाएगा, 9ax² + 3bx + c = 0। अब देखो ध्यान से, यहाँ से सम ऑफ द रूट करोगे तो कितना आएगा, α/3 + β/3 -b/a, कितना हो जाएगा -3b/9a, तो ये कितना आएगा, 3 से 3 बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -b/a। और यहाँ से भी देखो α + β - b/a आ रहा था, करेक्ट आ रहा, मतलब सही तरीका अपनाया अपने। तो अगर अपन रूट्स को 1/3 करते हैं तो x 3x से रिप्लेस होता है, है ना, आ रही बात समझ में? यस सर, ठीक है। इसी में अगर आपको ये बोलता कि अगर रूट्स में मैंने -2 सब्सट्रैक्ट कर दिया, रूट्स में मैंने -2 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो बताओ यहाँ से नई इक्वेशन क्या आएगी, तो आप क्या बोलोगे, x की जगह क्या इसे रिप्लेस कर दोगे? बोलो, रूट्स में अगर -2 किया तो x की जगह क्या रिप्लेस कर देना, x + 2 से, आया ना? ओके सर, यस सर। उल्टा काम करना, देखो यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे तो इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से डिवाइड किया तो x की जगह 3x से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे रूट्स में अगर 2 सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे x की जगह x + 2 से रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो यहाँ ये इक्वेशन क्रिएट कैसे हुई होगी, ये इक्वेशन कैसे क्रिएट हुई होगी, सबसे पहले तो 3x क्रिएट हुआ होगा। Yes, sir. जब रूट्स को डिवाइड बाय 3 कर दिया होगा, तो यहाँ पर अगर मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ तो मेरे पास नई इक्वेशन 3x का इस
प्लस पी इंटू थ्री एक्स प्लस क्यू, सही है ना, क्लियर है। तो जो रूट्स हैं, रूट्स क्या हो रहे होंगे सर, ए बाय थ्री और बी बाय थ्री। हाँ, रूट्स को अपन ने ए बाय थ्री और बी बाय थ्री, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो रूट्स होंगे उनको मैं थ्री से डिवाइड करूंगा या फिर इनके रूट्स को थ्री को से डिवाइड करूंगा। अगर x 3x से रिप्लेस हो रहे नई इक्वेशन में तो रूट्स क्या हो रहे होंगे, a डिवाइड हो रहे होंगे, आया ना, यस सर, a by 3 डिवाइडेड बाय b by 3, क्लियर है, यस सर, आया ना। अब आपके पास नई क्वाड्रेटिक आ गई, आपके पास ये नई क्वाड्रेटिक आ गई, इसमें मान लो आप 3x को t मान लो फॉर एग्जांपल, अभी के लिए t स्क्वायर प्लस tp प्लस q इक्वल टू 0 और इसके रूट से आपके a by 3 और b by 3 सपोज। अब मुझे क्या क्रिएट करना है, 3x plus 2 क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, 3x plus 2। तो या तो आप लॉजिकली बताओ क्या करें, 3x plus 2 a by 3 minus 2 हो जाएगा और b by 3 minus 2 हो जाएगा। हाँ, तो आपको 3x plus 2 क्रिएट करना है और यहाँ पे भी 3x plus 2 क्रिएट करना है और q equal to 0। तो रूट्स में आप क्या कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट, अब क्वेश्चन में बोला गया था ये आपके अल्फा और ये आपका बीटा है और आपको निकालना क्या था, a और b, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2, a कितना आ जाएगा, सर 3 अल्फा माइनस 6, ऑप्शन है कि नहीं, कहाँ गड़बड़ हुई, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुई बच्चों, यहाँ पे 3x plus 2 थोड़ी हो रहा है, यहाँ पे आप x को कैसे रिप्लेस करोगे ताकि 3x plus 2 क्रिएट हो, ये सोचना है ना, मुझे x को कैसे क्या रिप्लेस करो ताकि 3x plus 2 क्रिएट हो, मुझे x की जगह यहाँ पे क्या रखूं ताकि 3x plus 2 क्रिएट हो, समझ में आ रहा है, ये चेक करना है। मानो यहाँ पे t रखा आपने, तो t कितना आ जाएगा, x plus 2 by 3 है ना, plus 2 by 3, yes sir। अब यहाँ पे मैं x की जगह x plus 2 by 3 रखूंगा तो ये क्रिएट होगा, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में x की जगह 3x रखा था तो ये क्रिएट हो गया, अब यहाँ पे x की जगह क्या रखना पड़ेगा, x plus 2 by 3, तो आपका 3x plus 2 क्रिएट होगा, है ना, yes sir, yes sir। तो x की जगह अगर x plus 2 by 3 रख रहे हैं तो यहाँ पे रूट्स में क्या चेंज आ रहा होगा, a by 3 minus 2 by 3 और b by 3 minus 2 by 3, हाँ है ना, क्लियर है। अब इसको अपन अल्फा से इक्वेट करते, इसको बीटा से इक्वेट करो, यहाँ से a कितना आ जाएगा, a कितना आ जाएगा 3 अल्फा, 3 अल्फा plus 2 और b कितना आ जाएगा, 3 बीटा plus 2। तो थोड़ा सा उल्टा सोचना था इसलिए दिमाग रखा, अपन ने क्या लॉजिक लगाया था लास्ट क्लासेस में कि रूट्स में अगर चेंज करते हैं, अगर रूट्स में चेंज करता हूं तो x में ऐसा चेंज होता था, x में अगर ऐसा चेंज होगा तो रूट्स में वैसा चेंज होगा, ये लॉजिक लगाना था, जैसे अगर रूट्स को 3 से डिवाइड करेंगे तो x 3x से रिप्लेस होगा, या फिर अगर x की जगह 3x कर रहा हूं तो रूट्स 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, ओके, यस। नेक्स्ट, तीन क्वेश्चन और ट्राई कर लो ताकि और प्रैक्टिस हो जाएगी, 5, 7, 8 कर लो, एक बार जल्दी से 5, 7 और 8, सारे जो जेई के पीवाईक्यू में बहुत अच्छे हैं, इनके अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इसी यही तैयारी होती करने के लिए, इसलिए मैंने कहा था आपको ये टेस्ट की तैयारी के चक्कर में ये सब भी हो जाएंगे, जल्दी ट्राई कर लो, एक बार बस अटेम्प्ट कर लो, लॉजिक डेवलप कर लो, फिर मैं सीखा अपन डिस्कस करें।
चलो क्लास हो गया अटेम्प्ट। बोलो। हेलो, अरे क्लास में ही हो? यस सर यस ठीक है, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले फिफ्थ वाला कर लेते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस पूछा गया। ठीक है, अब देखो दोनों में लॉजिकली डेवलप, देखो यहाँ पे सी के बराबर आ रहा है, ये सी के बराबर है और यहाँ पे प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसके रूट्स पूछे, इसके रूट्स पूछे, एक्स माइनस सी माइनस अल्फा, एक्स माइनस सी माइनस बीटा माइनस सी इक्वल टू जीरो। रूट्स मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, है ना। यहाँ पे मैं एक्स की जगह क्या यस रखूं, सर ताकि इसका आंसर अगर सी आ जाए तो सी माइनस सी जीरो हो जाएगा। तो हम अगर ये यस लॉजिक सर लगा लें कि इसका आंसर अगर मुझे सी क्रिएट करना है, ताकि सी माइनस सी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अच्छा, अब मेरे पास इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू कितना है, माइनस सी है ना। आ रहा समझ में? सर और क्वेश्चन में बोला गया है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो है अल्फा और बीटा। अगर एक्स की जगह अल्फा रख दूं मैं, तो क्या बनेगा, अल्फा माइनस ए अल्फा माइनस बी इक्वल टू माइनस सी, इक्वल टू माइनस सी। या फिर इस माइनस को इधर उधर भेजोगे तो ए माइनस अल्फा और अल्फा माइनस बी की वैल्यू प्लस सी के बराबर आ रही है। अगर यहां सब लॉजिक डेवलप हो जाए कि एक्स की जगह क्या रखें, ताकि एक तो ए अल्फा, ए माइनस अल्फा क्रिएट हो जाए और अल्फा माइनस बी क्रिएट हो जाए, ऐसा कुछ लॉजिक बैठ जाएगा कि यहाँ पे नहीं। अगर ए माइनस अल्फा क्रिएट करना है तो एक तो ए रख दो और एक प्लस सी रख दो। एक्स की अगर ए प्लस सी रख दिया तो सी सी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस अल्फा क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे की जब जगह ए प्लस सी रख दिया तो सी सी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बीटा क्रिएट हो जाएगा। लेकिन वहां से लॉजिक बैठ नहीं रहा है। दूसरा तरीका क्या है, सॉरी, दूसरा तरीका क्या है कि आप जो गिवन इक्वेशन है उसकी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखो और उससे रिलेशन डेवलप करो। अगर उससे नहीं बैठ रहा तो फिर ये वाला तरीका अपनाओगे। एक सेकेंड, तो पहली इक्वेशन जो गिवन है उसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म में क्या आएगा, ए बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। प्लस इसके रूट्स आपके अल्फा और बीटा है। यहां से एक रिलेशन निकाल लेते हैं, यहां से क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी के बराबर होगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ए बी प्लस सी के बराबर होगा। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसको देखो ध्यान से, एक्स माइनस सी माइनस अल्फा एक्स माइनस सी माइनस बीटा माइनस का सी इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स निकालने की कोशिश करना है, प्रोडक्ट करेंगे एक बार अंदर, क्या क्या बनेगा देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस सी बीटा एक्स बीटा माइनस का सी एक्स प्लस का सी स्क्वायर प्लस का सी बीटा माइनस का अल्फा एक्स प्लस का अल्फा सी प्लस का अल्फा बीटा और माइनस सी इक्वल टू जीरो। एक बार क्रॉस चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन में आ रहा है। एक्स स्क्वायर, अब एक्स के साथ क्या क्या कॉमन आ रहा है देखो ध्यान से। सही सही है सर है, ठीक है। एक्स के साथ क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे अगर माइनस एक्स लूंगा तो यहाँ पे एक तो सी आएगा, आया ना,
यहाँ से बीटा, यस सर, यहाँ से भी एक और सी एक्स है, दो सी एक्स, ठीक है ठीक है, यहाँ से भी एक सी, यहाँ से भी एक और बीटा, यहाँ से क्या आ रहा है अल्फा, बस इतना ही आ रहा है। यस सर, ठीक है, तो एक्स सी एक्स सी एक्स सी एक्स दो आएंगे, ठीक है, लॉजिकली भी दिख रहा है, एक तो इसके साथ आएगा, एक इसके साथ आएगा, एक एक्स बीटा आएगा, दो बीटा कैसे आ रहे थे, अच्छा एक ही बीटा है ना, ये तो सी बीटा है, समझ पा रहे हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन बता दो, थोड़ा सा मेरा कंसंट्रेशन हो नहीं पा रहा, हेडेक बहुत तेज है, ये बात देख लो कैलकुलेशन सही करिए, एक्स के साथ देखो क्या क्या आ रहा है, माइनस एक्स के साथ, यहाँ पे एक तो सी, फिर बीटा, बीटा फिर एक्स सी, फिर अल्फा और एक्स सी, कितने टर्म है, एक दो तीन चार पांच, मैंने कितने सी सी, सर लास्ट वाला तो अल्फा सी है, एक्स नहीं है उसमें, तो चार ही टर्म आएंगे, सही लिखा मतलब अपन ने, यस सर सही लिखा, ठीक है, ये हो गया आपका, और कांस्टेंट टर्म जो बचे हुए हैं वो लिख देते हैं फटाफट, क्या कह रहा है कांस्टेंट टर्म, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी बीटा प्लस अल्फा सी प्लस अल्फा बीटा माइनस सी, माइनस सी, थैंक यू, इक्वल टू जीरो, अब जो जो वैल्यू पता है वो पुट अप कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ साथ अल्फा प्लस बीटा पता है, मतलब ट्वाइस ऑफ सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ पे जो जो पता पुटा, क्या क्या पता है, अल्फा बीटा पता है सिर्फ, ठीक है, तो एक तो सी स्क्वायर, सी कॉमन ले लोगे यहाँ पे तो अल्फा प्लस बीटा क्रिएट होगा, यस सर, यस सर, और यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह क्या जाएगा, ए बी प्लस सी, और एक माइनस का सी पहले से था, आपकी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो इस तरह की बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस टू सी टाइम्स एक्स प्लस ये सी सी कैंसल, सी स्क्वायर प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, अब आपको लॉजिकली सोचना है इसके रूट्स कौन से होंगे, ए ए बी प्लस सी होगा, ऑप्शन से भी जा सकते हो आप, तो आया ना, सम ऑफ द रूट क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस टू सी, कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर थ्री आया ना, क्लियर है, या फिर इसको ब्रेक करके लिखो, इसको इसके दो फैक्टर बना लो, यस सर सी आ गया है ना, इसके दो फैक्टर कितने बनेंगे, देखो ए प्लस सी और बी प्लस सी, इसके दो फैक्टर बन गए, और यहाँ पे भी ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो देखो ये सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यस सर आ गया, क्लियर है, ठीक है, यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेम इसी तरह से सेम लॉजिक लगेगा, अल्फा बीटा गामा, लास्ट वाला, हाँ ये वाला स्टेप, यस सर सेकंड वाला, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, जब अपन ये लिखते ना एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट आया ना, अगर रूट्स पता हो तो अपन इक्वेशन बनाने का तरीका ये, तो यहाँ पे देखो इन दोनों का सम हो रहा है और इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो यही मेरे रूट्स होंगे, और मैंने यहाँ पे लॉजिक भी लगा, सम ऑफ द रूट क्या आना चाहिए, आना चाहिए, तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट इसके लिए भी आ रहा था ऑप्शन नंबर सी के लिए, क्लियर हो गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, अब यहाँ पे देखो डी क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे भी अगर माइनस डी क्रिएट हो जाए, एक्स की जगह ऐसा क्या रखे ताकि ये माइनस डी क्रिएट हो जाए, तो वो उसके रूट होंगे, ठीक है, अब देखो यहाँ पे लॉजिक अगर बैठ जाए, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इसके रूट है, तो अल्फा माइनस ए अल्फा, लेकिन वो वापिस सेम वैसा लॉजिक बैठेगा नहीं, शिट, कहाँ गया क्वेश्चन, या तो फिर से हम आपको वही मेहनत, हाँ सिक्स क्वेश्चन सेम आपको वही मेहनत करनी पड़ेगी, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड सम ऑफ द रूट टेकन टू एट अ टाइम, आ रही बात समझ में,
या फिर ये लॉजिक लग जाए कि एक्स की जगह क्या रिप्लेस करें ताकि ऊपर वाले जैसा रूट्स क्रिएट हो जाए। जैसे मान लो अगर एक्स की जगह मैं ए रखता हूं तो ए माइनस अल्फा, ए माइनस बीटा, ए माइनस गामा, तो यहाँ पे भी अगर ऊपर अल्फा रखोगे तो अल्फा माइनस ए क्रिएट होगा, अल्फा माइनस ए भी, लेकिन फिर वही फिर आप बीटा के साथ भी क्रिएट होगा। तो आप वही वाला तरीका अपनाना वापिस से, सम ऑफ द रूट कितना होगा माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द रूट टेकन टू एट अ टाइम प्लस सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस डी बाई ए, फिर वो वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देना। तो जैसा अपने पिछली बार किया था, क्यूबिक में किस तरह की इक्वेशन क्रिएट करोगे, क्यूबिक में इस तरह की इक्वेशन क्रिएट होगी, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस टेकन टू एट अ टाइम सॉरी इनटू एक्स स्क्वायर इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू जीरो, सॉरी माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और वहां से आप फिर प्रिडिक्ट कर लेना रूट्स क्या आ रहे हैं, एक बार वापस ट्राई कर लेना, जो काम फिफ्थ में किया है वही काम सिक्स्थ में करना है। पहले सिक्स्थ में ये रिलेशन निकाल लोगे, पहले इसको एक्सपांड कर दोगे, हाँ है ना, एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, बोलो। यस सर। उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो सम ऑफ द रूट और ये इसकी वैल्यू निकाल लोगे, माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए माइनस डी बाई ए, हाँ है ना, इनकी वैल्यू आ जाएगी। जो काम पिछले क्वेश्चन में किया तो सेम काम यहाँ पे करना है, बस पिछले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक थी, यहाँ पे क्यूबिक है, कुछ भी अंतर नहीं, कर पाओगे, कैलकुलेशन है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। यस ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना, टफ नहीं इसे छोड़ो, क्योंकि जो काम मैंने पिछले क्वेश्चन में किया वही काम यहाँ पे करना है। ये सेवंथ क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको देख लो सर। ये ऐसे कर सकते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा करके। हाँ वेरी गुड, आपको जिसको मिनिमाइज करना पहले उसका एक्सप्रेशन क्रिएट करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू निकालनी है पहले, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। yes, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट यहाँ से आ जाएगा माइनस बी बाई ए, मतलब लैम्डा माइनस थ्री, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आ जाएगा माइनस टू लैम्डा, सही है, यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी। अब वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इज मिनिमम, अब इसको मिनिमम करना है तो लैम्डा की किस वैल्यू पे मिनिमम होगा, तो कैसे पता करोगे बताओ। यहां तक अपन ने कर दिया, इसका जो एक्सप्रेशन आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू दिस, अब इसकी मिनिमम वैल्यू पता करनी है आपको, वैल्यू पे मिनिमम होगा तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ बच्चों, कभी ऐसा मिनिमम को पूछो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे माइनस एट इन, तो क्या पे क्या लिखोगे लैम्डा माइनस फोर का होल स्क्वायर है ना, एक बार कैलकुलेशन चेक करो, सब सही लिखा है ना मैंने, सम ऑफ द रूट कितना आएगा सर, लैम्डा माइनस फोर लैम्डा, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दी, देखो सॉरी, हाँ सर लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा प्लस नाइन, कैलकुलेशन में सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना माइनस लैम्डा है ना जी सर, यहाँ पे प्लस लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर कितना बनेगा यहाँ पे माइनस सिक्स लैम्डा प्लस नाइन और प्लस का टू लैम्डा, ठीक है, तब बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा प्लस नाइन, क्लियर हुआ। अब देखो मिनिमम निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सोचो या फिर इसको डिफरेंशिएट मार दो, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएट भी कर सकते हो और इक्वेट टू जीरो कर सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा लैम्डा के रिस्पेक्ट में, टू लैम्डा माइनस फोर, टू लैम्डा माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो टू लैम्डा इक्वल टू फोर, तो लैम्डा कितना आ जाएगा टू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका इस मेथड टू, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी सोच सकते हो, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा लैम्डा माइनस टू का होल स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस टू लैम्डा, फिर क्या क्रिएट होगा प्लस का फोर,
और प्लस का 5, तो ये मिनिमम कब आएगा, जब ये 0 हो जाए। यस सर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हमेशा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है हमेशा। अगर इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम कब होगा, जब ये 0 हो जाए, क्योंकि बाकी तो ये हमेशा 0 से ज्यादा होगा, तो मिनिमम के लिए लैम्डा को क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, बाकी सब केसेस में नहीं तो 5 से ज्यादा ही आएगा। क्लियर है? ओके यस सर, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, आज मैं क्लास ही नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अब रिवाइज कर लेना नेक्स्ट क्लास तक, थोड़ा सा जो 12th के टॉपिक है वो कल तक रिवाइज करके कल डाउट डिस्कशन 12th के टॉपिक का कर लो। ओके सर, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू सर।